गाइज, अगर आप सब भी इंडसलैंड बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो इसके लिए एक एप्लीकेशन का भी ज़रूरत पड़ता है। यानी इंडसलैंड बैंक का पूरे तरह से यूज करने के लिए आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हैं, और साथ में जो इंडसलैंड बैंक का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसको अगर आप यूज करते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड और साथ में डेबिट कार्ड भी सेफ एंड सिक्योर रहेगा। इसके लिए आपको इंडसलैंड बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर आने के बाद इंडस मोबाइल आपको डाउनलोड करना है, INDUS। आगे मोबाइल डालेंगे तो इंडसलैंड बैंक का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन ये आपको दिखाई देगा, तो आपको ये एप्लीकेशन का आपको डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर में आके, जो कि ऑलरेडी मैं ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुका हूँ। डाउनलोड करने के बाद कुछ आपके इसमें अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस होता है। तो जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा, जिसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आपको इधर दिखता होगा, तो इधर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर अपने बैंक में आप दिए हैं वो मोबाइल नंबर आपको डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके सामने ढेर सारा ऑप्शन आएगा, जिसमें आप अपना सेविंग अकाउंट को आप चॉइस करते सेविंग अकाउंट से भी कर सकते हैं ओपन, या अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है तो अपना क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके क्रेडिट कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन को आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद गए आप देखेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा इंटरफेस, जिसमें अगर आपका सेविंग अकाउंट रहेगा तो आपको पहले दिखाई देगा सेविंग अकाउंट का ऑप्शन और लास्ट में दिखाई देगा आपका क्रेडिट कार्ड का बैलेंस, यानी दोनों बैलेंस आपको एक साथ दिखाई देता है। या अगर आप क्रेडिट कार्ड सिर्फ यूज करते रहेंगे तो आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड का ही बैलेंस देगा, दूसरा बैलेंस आपको इधर से दिखाई नहीं देगा, सिर्फ क्रेडिट कार्ड का दिखाई देगा। बट अगर आप इंडसलैंड बैंक का आप सेविंग अकाउंट भी यूज करते हैं और साथ में क्रेडिट कार्ड भी यूज करते हैं तो दोनों दिखाई देगा आपको। क्रेडिट कार्ड का लास्ट का आपको नंबर दिखाई देगा 4 digit, और साथ में सेविंग अकाउंट का भी आपको नंबर दिखाई देगा लास्ट का 4 digit। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका बैलेंस शो हो जाएगा, या आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड का भी बैलेंस शो हो जाएगा। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन से बिल पेमेंट भी कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, UPI से थ्रू अपने सेविंग अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, साथ में ओपन डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी आप ओपन इधर से कर सकते हैं, साथ में स्कैन एंड पे का सुविधा यूज कर सकते हैं। यानी इधर से अगर आप स्कैन करते हैं तो जो भी जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इस एप्लीकेशन सब का आप स्कैन करके पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। और साथ में ऑफर अगर कुछ रहेगा जैसे कि लोन का लेके, क्रेडिट कार्ड के लेके, तो आप इधर से अपना ऑफर भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना रहेगा तो आप इधर से एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है अप्लाई का ऑप्शन, तो आप इधर से अप्लाई कर सकते हैं। साथ में क्विक सर्विस का जो ऑप्शन है जिसमें अपना लोन को EMI में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और एक ऑप्शन आपको और दिखाई देगा सर्विस का, सर्विस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपना क्रेडिट कार्ड का लिमिट को सेट कर सकते हैं। और सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सेटिंग में एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को आप ऑफ और ऑन कर सकते हैं। अगर आपको यूजर आईडी चेंज करना रहेगा तो आप इधर से अपना यूजर आईडी चेंज कर सकते हैं, या अगर आपको डिलीट करना है तो आप इधर से डिलीट कर सकते हैं, और एक नया न्यू यूजर आईडी भी आप इधर से क्रिएट कर सकते हैं। जब आपके सेविंग अकाउंट में कितना भी बैलेंस रहे, उस बैलेंस को अगर आपको किसी दोस्त के या अपने फैमिली किसी को ट्रांसफर करना रहेगा तो इधर एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है फंड ट्रांसफर का भी ऑप्शन, आप फंड ट्रांसफर पर क्लिक करके अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, या किसी अपने खुद के अकाउंट में भी आप मनी ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको देता है ये एप्लीकेशन में। साथ में बिल पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, रिचार्ज का, ओपन फिक्स डिपॉजिट का, इसमें भी ऑप्शन है, और कार्ड वाला ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को आप ऑन ऑफ ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना रहेगा आप इधर से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इधर आपको भीम UPI का ऑप्शन दिख रहा है, ऑफर का दिख रहा है, स्कैन और साथ में आपको कैश ऑन मोबाइल का भी ऑप्शन आपको दिख रहा है, और साथ में सर्विस का ऑप्शन दिख रहा है, सर्विस में अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को आप हैंडल कर सकते हैं, वो फैसिलिटी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद गए आपको मेन मुद्दा आता है रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, अगर आपको अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए तो आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, अगर आपको फिक्स डिपॉजिट करवाना है या तोड़ना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बुक ए लॉकर का ऑप्शन दिया गया, साथ में चेक बुक का दिया गया ऑप्शन, और साथ में अगर आपको फॉर्म 15 चाहिए तो आप वो भी इधर से विड्रॉ फॉर्म 50 अगर आपको तो भी आप फॉर्म 15 भी आप इधर से ले सकते हैं। साथ में जनरेट आपको दिखाई देगा MID का, तो आप जनरेट अपना MID भी कर सकते हैं पॉजिटिव पे, यानी पॉजिटिव पे ये होता है कि जब अपने चेकबुक आप किसी ब्रांच में जाके किसी के दोस्त के या किसी फैमिली मेम्बर को आप देते हैं ना चेकबुक, तो उसमें एक पॉजिटिव पे अभी हर एक बैंक ने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन आप इस पर क्लिक करके अपना आपको चेकबुक का नंबर डालना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, या जिस व्यक्ति को अपना आप चेकबुक दे रहे हैं उनका पूरा डिटेल्स में फिल करने के बाद ही आप उनको चेकबुक दे सकते हैं।
उसके बाद री के वाई सी, अगर आपको के वाई सी एक्सपायर हो चुका है तब जैसे के वाई सी भी करवा सकते हैं। साथ में आपको अकाउंट को कुछ अपडेट करना जैसे कि नाम मोबाइल नंबर वो भी कर सकते हैं। साथ में अगर आपको एड्रेस अपडेट करना है यानी एड्रेस अगर आपको चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। मेल आई डी का भी अपने आप खुद से चेंज कर सकते हैं और साथ में आधार कार्ड को भी आप खुद से अपडेट कर सकते हैं। ये सब फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा इस बैंक में। अगर अगर आपके पास एफ डी का अकाउंट अवेलेबल है इस बैंक में तो आप अपना एफ डी का कैलकुलेटर भी आप इधर से आकर चेक कर सकते हैं कि कितना अभी आपको इंटरेस्ट बढ़ा है या अगर आपको नुकसान हो रहा है उस बैलेंस को अपन सेविंग अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको सबको सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि डेबिट कार्ड का ट्रांजेक्शन अगर हमको ऑन ऑफ करना है तो आप वो भी करवा सकते हैं, टेम्प्रोरी ब्लॉक भी कर सकते हैं, अनब्लॉक भी कर सकते हैं। डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को भी आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं, पोस्ट ट्रांजेक्शन को भी ऑन और ऑफ कर सकते हैं। साथ में अगर आपको ट्रांजेक्शन सेट करना रहेगा तो वो भी कर सकते हैं और साथ में कार्डलेस ट्रांजेक्शन को भी आप सब ऑफ ऑन कर सकते हैं। ये सब फैसिलिटी आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप सब भी अभी तक आप ये एप्लीकेशन को यूज नहीं करते थे तो जरूर इस एप्लीकेशन को यूज कीजिए। आप सब इस एप्लीकेशन में बहुत कुछ अच्छा खासा फैसिलिटी जो दिया गया है आप दूसरी एप्लीकेशन में नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कोई भी यूपी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो ये फैसिलिटी आपको दूसरी एप्लीकेशन में देखने को नहीं मिलेगा। तो जरूर आप इसे अगर आपके पास भी इंडसलैंड बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड आप यूज करते हैं तो जरूर ही आपको ये एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए ताकि आपका बैंक अकाउंट सेफ रहे, सुरक्षित रहे और आपका भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के साथ कभी भी एक रुपया का भी फ्रॉड ना हो। क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो आपके कार्ड को ऑन ऑफ करने के लिए पूरे फैसिलिटीज़ में दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।